नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। ये देखिए, आज मैं आपको अपने छत पे रखे प्लांट दिखाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए मैंने छत के प्लांट आपको नहीं दिखाए, और अब गर्मियां शुरू हो गई हैं और जो गर्मी में खिलने वाले प्लांट हैं परमानेंट, वही ज़्यादातर मेरे पास हैं। तो मैंने इनमें थोड़ा सा काम भी किया है। अभी सुबह सुबह छत पर आई थी तो सोचा चलो अच्छे फूल खिले हुए हैं, आप सबको भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब सभी तरह के इसमें फूल खिलने लगे हैं। ये सब सदाबहार हैं, ये तो ऐसे प्लांट हैं इनकी तो केयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ी सी इनकी देख रेख इसलिए करनी होती है कि ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक ही गमले में बीज गिरता रहता है तो फालतू प्लांट निकालते रहें। और इस तरीके से मैंने इनमें रखे हैं। यहाँ पर देखिए, पानी डालने का भी थोड़ा सा सही रहता है, इस तरीके से लाइन लगाते हैं ना तो पानी ढंग से डलता नहीं है। और अब ये जो जितने भी गुड़हल के प्लांट हैं तो सब पे कलियां बनने लगी हैं और फूल भी, अभी सुबह का टाइम है, देखिए अभी फूल खिले नहीं है, अभी 6:30-7 का टाइम ही हुआ होगा और काफ़ी अच्छे फूल खिले हुए हैं। और ये सब मोस रोज हैं जो अब खिलने लगे हैं, ये 9 बजे तक खिलते हैं, नोपची भी बोलते हैं इनको। और येलो कलर और वाइट तो आ गया, धीरे धीरे सारे ही कलर इनमें खिलने लगेंगे। आज 2 जो फूल है ना वो इसके खिले हुए हैं, कैक्टस के, ये दिखा देती हूँ आपको, देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। तो सुबह सुबह का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। और सुबह मैं छत पे आ जाती हूँ, थोड़ी देर अपने पेड़ पौधों को देखती हूँ और इनमें काम करती हूँ, जो भी करना होता है। सुबह जल्दी काम करके सारा दिन फिर सही रहता है, क्योंकि एक तो धूप ज़्यादा होने लगी ना, धूप में इतना काम भी नहीं होता छत पे। और सुबह मिट्टी का काम जो ये होता है करने का, गुड़ाई वगैरह, पानी डालना, कटाई छटाई करना, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा पौधे हो रखे हैं मेरी छत पे, तो किसी में कुछ काम किसी में कुछ काम होता रहता है, तो वही सब सुबह सुबह या शाम को मैं करती हूँ। तो जिस दिन मुझे काम करना होता है इस तरीके से मैं 6 बजे के आसपास छत पर आ जाती हूँ, तो 1 घंटा 1.5 घंटा मैं लगाती हूँ। तो सुबह का जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा होता है और पौधों में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये लाल चंपा जो है ना, ये देख रहे हैं आप, ये खिलेगी फूल इसके। और सब ये कटिंग से ही तैयार करे हुए हैं मेरे प्लांट, जो सूखे पत्ते हैं इस तरीके से हम इनको निकाल देते हैं। और ये देखिए, अब चंपा के जो प्लांट बिल्कुल जनवरी फरवरी में एकदम प्लेन हो जाते हैं ना, पत्ते साफ़ हो जाते हैं, उन पर काफ़ी फूल आने लगे हैं। ये देखिए, ये दिखा देती हूँ आपको कितना सुंदर है। और अपने जो सोसाइटी में प्लांट हैं ये भी सब फूलों पे आ गए हैं, काफ़ी अच्छा इनका नज़ारा है।